तो गाइज हाजिर हूँ मैं लेकर एक और नई वीडियो, और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Asus ROG Phone 3 का एक चार्जिंग टेस्ट। ये हालांकि दोस्तों मेरे चैनल पे एक अलग टाइप का ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा भी टाइम बिल्कुल भी यहाँ पर आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा। या मैं फटाफट से टेस्टिंग करके आपको बताऊँगा कि ये जो Asus ROG Phone 3 है उसमें 6000 mAh की बैटरी है और इसके साथ दिया जाता है 30 वाट का फास्ट चार्जर। क्या 30 वाट के फास्ट चार्जर से ये फास्ट चार्ज हो पाता है कि नहीं, फिलहाल यहाँ पर मैं सब कुछ आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊँगा ताकि आपको आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए। तो चलिए यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और ये जो मेरी बैटरी है अब वो चार्जिंग होना शुरू हो चुकी है। मैंने सभी चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़रा भी आपको यहाँ पर बोरिंग महसूस ना हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग एक मिनट के बाद मेरा जो Asus ROG Phone 3 है वो चालू हो चुका है यहाँ पर, और लगभग से उसमें 4% के ऊपर बैटरी आ चुकी थी। तो सीधा मैं यहाँ पर आपको ये टेस्ट करता चलूँगा और साथ ही साथ आपको हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आपको बताता चाहूँगा कि कितनी बैटरी इसकी अभी तक चार्ज हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर इसको 5 मिनट चार्ज कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर चार्ज होने देते हैं और अब सीधा मैं आपको इसकी टाइमिंग बताता हूँ 10 मिनट के बाद में। तो जैसा कि आप अगर यहाँ पर 5 मिनट के बाद देख पाएंगे तो जो 5 मिनट के बाद इसकी बैटरी है वो कुछ यहाँ पर 5% के अराउंड चार्ज हुई है। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब मैंने इसको यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है और जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं मैं यहाँ पर फिर से आपको रिज़ल्ट बताता हूँ कि कितना चार्ज हुआ है मेरा Asus ROG Phone 3। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर 14% यानी कि 14% इसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। फिर से मैं इसको यहाँ पर चार्ज लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हो चुके हैं 15 मिनट और 15 मिनट के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है 21%। अब यहाँ पर हम इसको फिर से चार्ज होने देते हैं और अब सीधा मैं आपको बताता हूँ कि ये 25 मिनट के बाद कितना चार्ज हुआ है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे 25 मिनट के बाद ये कुछ 42% के अराउंड हुआ है, और जैसा कि अब यहाँ पर देख पाएंगे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और 30 मिनट के बाद ये कुल मिलाकर यहाँ पर 44% यहाँ पर चार्ज हो चुका है। तो ये एक ब्लेजिंग फास्ट चार्जर आप इसे बोल सकते हैं कि 6000 mAh की बैटरी इतनी फास्ट चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर हम रिज़ल्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 50 मिनट के बाद। तो जैसा कि आप देख पाएंगे तो 50 मिनट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और 50 मिनट के बाद यहाँ पर 67% इसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो कह सकता हूँ कि इसकी बैटरी काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो रही है इनिशियल इंप्रेशन में, लेकिन जैसे आगे आप देखेंगे रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो पूरे 1 घंटे हो चुके हैं और 1 घंटे के बाद 78% इसकी बैटरी चार्ज होकर आ चुकी है। तो अभी तक तो रिज़ल्ट सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पर हम फिर से इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और अब फिर से चार्ज होने देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सीधा आपको बताता हूँ कि ये 1 घंटे 15 मिनट बाद इसकी कितनी चार्जिंग हुई है। तो 1 घंटे 15 मिनट बाद इसकी जो चार्जिंग हुई है वो 89% के अराउंड हो चुकी है। अभी भी ये फास्ट चार्ज कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप अगर आगे देखेंगे तो इसके रिज़ल्ट और भी आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर मैं और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपको और आगे ले चलता हूँ। तो जैसे ही इसके 1 घंटे 25 मिनट पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर इसकी बैटरी 93% चार्ज हो चुकी है। फिर से हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो 1 घंटे 30 मिनट में इसकी बैटरी 94% हो चुकी है। तो अब यहाँ पर फिर से हम टेस्ट को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर 1 घंटे 40 मिनट बाद इसकी बैटरी 96% तक चार्ज हो चुकी है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कितने घंटे में फास्ट फुल चार्ज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 1 घंटे 50 मिनट हो चुके हैं, 98% पे इसकी बैटरी हो चुकी है अभी तक। और यहाँ पर मैं अब इसको अब जो क्लिप है उसको मैं स्लो डाउन करता हूँ ताकि आपको जो भी रिज़ल्ट है वो क्लियर पता चलता रहे। तो यहाँ पर अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा और अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 घंटे 55 मिनट पूरे हो चुके हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो बैटरी है वो कुल मिलाकर यहाँ पर 99% के अराउंड यहाँ पर चार्ज हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि ये कितने घंटे में फुल चार्ज होती है और यहाँ पर 1 घंटे 56 मिनट पूरे होने ही वाले हैं। तो 1 घंटे अब 1% जो है वो 1 मिनट के अंदर चार्ज हो भी पाता है कि नहीं, अभी तो इसकी बैटरी 99% दिखा रही है, लेकिन 1 घंटे 56 मिनट भी यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और अब यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसकी बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो चुकी है 100% पे। और यहाँ पर आप अगर देख पाएंगे, मैं इसको आपको नज़दीक लाकर दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसकी जो बैटरी है वो 100% चार्ज हो चुकी है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी जो बैटरी है वो 100% दिखा रही है।
तो ये कह सकते हैं कि ये एक फास्ट चार्जर है। इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत फास्ट नहीं लेकिन फास्ट चार्ज होता है। और अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको ये सब स्टैट्स सारे बोल रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हर एक मिनट की गिनती यहाँ पर की हुई थी और मैं उसी को देख कर आपको बता रहा हूँ कि कितने घंटे में कितनी बैटरी चार्ज हुई है। आप इसको देख सकते हैं।